सर अच्छे मूड में डाउ फ्यूचर्स 125 ऊपर, सुबह से हम देख रहे हैं 125-150 ऊपर है, एक बार के लिए थोड़ा और भी ऊपर चला गया था। नैसडैक फ्यूचर्स भी 4% फ्राइडे को नैसडैक फिसलने के बाद एटलीस्ट आज ठीक ठाक मूड माहौल में दिख रहा है। फेड की 2 दिवसीय बैठक कल शुरू होगी, आज वैसे यूएस में कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है इवेंट्स के हिसाब से। एशिया में तो ज्यादातर बाजार बंद ही थे, तो वहां से कुछ क्यूज नहीं है। यूके के बाजार बंद है, यूरोप में अदरवाइज फ्रांस और जर्मनी से 1-1.5% की गिरावट है, तो थोड़ा वहां पर कमजोरी है। पर कच्चा तेल 2.5% नीचे है, ऑलमोस्ट 3% नीचे है। गोल्ड पर हमने गिरावट देखी है, रुपया भी रिकवर होकर एकदम सपाट हो गया। क्या करना है सर इस समय? क्या करना है? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि शुरुआत के 35-35 मिनट बहुत देर में आशु सर से बात कर लिया, मेरा भी नोटा जैसा बनने लग गया है ज्यादा सुन सुन के, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये कि डेटा और कल की छुट्टी है, बता रही कि जितना हल्का रहे उतना बेहतर है। परसों सोमवार के परसों आकर करें। पहले मैं आपको डेटा समझा दूं क्या इंपॉर्टेंट है। 17,000 जहां पर आप अभी निफ्टी को देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के पुट में है इस वीकली एक्सपायरी का, जो गुरुवार को खत्म होगी। 77 लाख शेयर, जिसमें से 35 लाख शेयर आज ही जुड़े। इस डेटा को देखकर आप ये थोड़ा भरोसा अपने आप पर कर सकते हैं कि 17,000 के नीचे आज बाजार बंद नहीं होना चाहिए, इस बात की संभावना पूरी पूरी है। बचे हुए समय में अगर 17,050 के पार निकले और टिके तो फ्रेश खरीदारी शॉर्ट काट के लॉन्ग करके जाना चाहिए। 16,900 के नीचे जाकर अगर टिके ट्रेड करता हुआ दिखे तो आपको अपनी तेजी की पोजिशन और कम कर लेनी चाहिए। क्लोजिंग जो आपको होती हुई दिख रही है वो 16,950 के ऊपर होगी, इस बात की संभावना पूरी दिख रही है डेटा में, तो 50 पॉइंट का और क्वेश्चन रख ले। हमको तो वैसे भी 16,950 के ऊपर की ही चाहिए, इसके नीचे जाने पर ही समस्या ज्यादा है। तो बहुत खराब बंद होंगे इसकी संभावना कम है, और इसलिए हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन वही वाली बात है कि आजकल के मार्केट के मूड माहौल को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक दिन की छुट्टी भी है, पता चला एक दिन की छुट्टी में कल बहुत बढ़ गए, आज रात को परसों वापस नीचे आ गए, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे जैसा ट्रेड हो रहा था, 2 दिन के रिस्क रखने जैसा मार्केट है नहीं। फिर भी अगर आपकी है कुछ भी ट्रेड करने की इच्छा तो हेज करके जरूर चले, कहीं कहीं आप ऑप्शन लेकर या जैसा आपको जिस तरीके से हेजिंग समझ में आती है वो जरूर करें। प्रॉब्लम क्या है, पुट या कॉल खरीदेंगे तो ऑप्शन प्रीमियम तेजी से गलती है, बहुत कम हो रही है। कल की छुट्टी के बाद परसों जब आप आएंगे तो अगर आपका फेवरेबल मूव भी होगा तो भी ऑप्शन की प्रीमियम आपकी कम हो जाएगी, आपके लिए पैसा बनाना मुश्किल होगा। तो कुछ कुछ समय ऐसा होता है मार्केट में जब पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है, उस समय जो पैसा बनाने पर फोकस करने के बजाय आपने पैसा बचा लिया तो समझो आपका बन गया। वही है, इस समय पैसा बचाना ज्यादा, जो बचा लिया वो आपका बन गया, है ना। सिंपल सी चीज है, ठीक है, क्लियर है। तो पहली चीज तो ये, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज जो है 17,000 की 16,950 17,000 सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर आपके लिए 17,100 को पार करके टिकना भी मुश्किल होगा, क्योंकि 17,100 पर 48 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं तो वो थोड़ी सी रुकावट का काम करेंगे। 17,100 पर पुट राइटर भी 33 लाख शेयर, तो ब्रॉडली रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी दिख रही है आज बचे हुए समय में, इसलिए और रेंज भी बहुत बड़ी नहीं है। 16,950 पे बाइंग आ जाएगी, 17,050 पे सेलिंग आ जाएगी, बीच में 17,050 पॉइंट में अगर एकदम परफेक्ट टाइम कर लो तो आप पैसा बना, तो ऐसा जब कौन सा जबरदस्ती है, शांति से बैठी बैंक की 36,000 के आसपास आप हैं, 35,915 पर 36,000 ही मेक और ब्रेक लेवल, 36,000 के पुट पर 21 लाख शेयर है, कॉल्स में 24 लाख शेयर है, 36,000 में कॉल राइटर ज्यादा खड़ा है, तो कोशिश ये है उनकी कि 36,000 के नीचे बंद हो बड़े समय बाद, तो 3 बजे तक आपको इसी लेवल पर फोकस करना है। अगर 3 बजे तक 36,100 पार करके टिक गए तो बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आ जाएगी, और 35,900 के नीचे टिके तो फिर आप 35,750 के आसपास भी जा सकते हैं और 150 पॉइंट कमजोर हो सकते हैं। तो 35,900 36,100 ये रेंज है, 3 बजे तक आपको इस रेंज को देखना है। निफ्टी में 16,950 17,050 इस रेंज को आपको देखना है। तो आज लेवल दोनों तरफ के हैं, 50-50 पॉइंट दोनों तरफ, 100-100 पॉइंट दोनों तरफ, ये डेटा में लिख रहे हैं। 35,500 के नीचे बंद नहीं होंगे, 36,500 के ऊपर बंद नहीं होंगे, डेटा क्रिस्टल क्लियर है, और ज्यादा इस डेटा में कोई ऐसा साफ साफ नजर नहीं आ रहा है कि मार्केट क्या करना है।